दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि भूत और आत्माएं होते हैं या नहीं। और जब ये आत्माओं वाली बात आती है तो बहुत से लोग कहेंगे होते हैं और बहुत से लोग कहेंगे नहीं होते। दोस्तों, देखा जाए तो भूत होते हैं, क्योंकि ये बात हमारी टीम के कुछ मेंबर्स ने खुद एक्सपीरियंस की है। उन लोगों ने कुछ इंसिडेंट ऐसे देखे हैं और उनके खुद के साथ भी हुए हैं, जिससे कि उनको आत्माओं पर विश्वास करना पड़ा और मानना भी पड़ा कि आत्माओं का वजूद भी होता है। और दोस्तों, हमने ये भी जानने की कोशिश की कि ये आत्माएं किन लोगों को अपना शिकार बनाती हैं और किस तरह के लोगों के पीछे पड़ती हैं। दोस्तों, अगर आत्मा किसी को अपने वश में कर ले तो उसके बाद वो उस इंसान को कभी भी कहीं से भी अपने वश में कर सकती हैं। क्या इस तरह के लोग ही आत्माओं को दिखाई देते हैं या और कोई वजह होती है? तो हेलो दोस्तों, आज फिर एक और बार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग जोन में। तो आज की वीडियो होने वाली है, क्या आत्माएं सच में होती हैं, इस टॉपिक पर। आत्माएं होती हैं या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप बोलते हो कि भूत नहीं होते तो चलो एक बार को मान लेते हैं, पर असलियत में आत्माएं होती हैं और इस बात से आप भी इनकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर भी एक आत्मा है। और अगर वो आपके शरीर को छोड़ दे तो आप जानते हैं आपका शरीर बेजान हो जाएगा। वो जो चीज हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है उसी को आत्मा बोलते हैं। दोस्तों, धार्मिक परंपराओं के हिसाब से एक आत्मा की मौत तभी हो सकती है जब तक उसका पूरा वक्त ना हो जाए, और इसी वजह से एक आत्मा को हजारों जन्म लेने पड़ते हैं और वो अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेती रहती है। और दोस्तों, इसी प्रोसेस को करते वक्त जब एक आत्मा का पिछला शरीर छूट जाता है और उसे नया शरीर नहीं मिल पाता, उस वक्त उस आत्मा को एक बुरी आत्मा या भूत बोला जाता है। और इन आत्माओं में से ज्यादातर आत्माओं को तो बहुत बुरा जीवन काटना होता है। उसी वजह से जब उन्हें बुरे लोगों के शरीर नहीं मिलते तो वो लोग एक अच्छे भले इंसान को मौत तक भी लेके जा सकते हैं। दोस्तों, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको अपना रह गया कोई काम पूरा करना होता है, और यही आत्माएं होती हैं जो कि बहुत खतरनाक होती हैं। और ये आत्माएं किसी के भी अंदर घुस सकती हैं, इनको बस अपना काम पूरा करने से मतलब होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन भूतों की जो किस तरह के लोगों पर नजर रखते हैं। पहला है, जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं आत्माएं उन पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं, जिनका इरादा दूसरों को नुकसान पहुंचाने का होता है। दूसरा, वो लोग जो कमजोर होते हैं या फिर बहुत टेंशन में रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाता है जो लोग कमजोर होते हैं। और ये वही आत्माएं होती हैं जो खुद भी टेंशन या कमजोर होने की वजह से मारी गई थी, और ये आत्माएं लोगों पर आके उन्हें भी मरने पर मजबूर करती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको और भी इसी तरह के फैक्ट्स बताएंगे। और अगर आपने हमारी पिछली हॉन्टेड वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो जाके जरूर देखें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।